नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के बैरी बैरब बन्ना पंचायत का हाल बेहाल है। भारी बारिश से लोग काफी परेशान है। खेल खलियान में काफी पानी लग गया है, वही लोगों ने चलने में भी परेशानी हो रही है, ऐसा बताया है। आपको बता दें कि बेरी पंचायत में सड़क का हाल बरसात में हाल और भी बुरा हो जाता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहां के लोग साल भर से सड़क पर जल जमाव की निकासी के लिए परेशान हैं, जिसके कारण यहां पर और भी जल जमाव हो जाता है और जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि मुखिया BDO अंचलाधिकारी को कई बार आवेदन दिया गया पर सुनवाई अब तक नहीं हुई है। साथ ही लोगों को यह भी कहना है कि मुखिया भी पहल नहीं करते हैं और यही हाल रहा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप आगे कहीं कंप्लेन नहीं किए? इसके लिए कंप्लेन किए थे मुखिया के पास, उसके बाद CEO BDO के पास आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ का मुखिया का नाम, यहाँ का चंद्रशेखर शेखर गुप्ता राजशेखर जी को हम लोग हमारे बोले जी बरवन्ना वार्ड नंबर 8, यही लास्ट में मेरा घर है। आप यहीं के रहने वाले? जी जी, यही गली में मेरा घर है। आपने इसके लिए कंप्लेंट नहीं की है? जी, बाजपता का वीडियो बना करके वहाँ फोटो करके CEO साहब को, BDO साहब को, मुखिया जी को, सबके मोबाइल पे भेजे, सबको कहे, लेकिन कोई आज तक इसको जो है ना सुनवाई नहीं किया। हम लोग को देखे कितना पानी है, बाल बच्चा आना जाना इतना मुश्किल हो गया है कि क्या बता है। पानी देखिए एक बार उधर देखा जाए सर जी, कितना पानी है, बाल बच्चा महिला सब आती जाती रहती है। मेन रोड से ही कनेक्ट है सोलिंग जी। अगले दफे जो बारिश हुआ वही समय में हम कंप्लेन किए, एक साल हो गया अभी और एक साल से आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ जी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पानी में कैसे ठेला लेके जाते हैं? यहाँ पानी में कैसे ठेला लेकर के जाए, यहाँ परेशानी हल हो रहा है, यहाँ डगर का साफ स्थिति खराब। आप लोग इसके लिए आगे कहेंगे क्या? हम लोग कहाँ कहेंगे, जहाँ हम लोग का अथी होगा वही वही न करेगा सदस्य मुखिया, सदस्य मुखिया वही न करेगा। आप सदस्य मुखिया को कहें? हाँ एकदम कहें, एकदम देखा है सदस्य मुखिया इस रोड पर ही हो करके गुजरता। R9 भारत के लिए असलम की रिपोर्ट, मधेपुरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण सभापति कयूम अंसारी ने Facebook लाइव आकर उल्टे मीडिया के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया घबराहट उत्पन्न हो गई और मीडिया किसके इशारे पर चल रही है। कार्यकारी सभापति महोदय को यह नहीं पता है कि मीडिया के इशारे पर नहीं चलती है, दुनिया को सच्चाई दिखाती है और हर किसी को सच्चाई से अवगत कराती है। कार्यकारी सभा का अपना पोल ना खुल जाए, जनता के बीच सच्चाई मीडिया के कार पर सवाल खड़ा कर दिए, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, आने वाले समय का हिसाब करेगी। जनता का कहना है कि यहां पर नाला सफाई के नाम पर सिर्फ लूट होती है, जिसका नतीजा आज बेतिया नगर में जल जमाव व तबाही है। ठेहुन से ऊपर पानी था, इसमें चल रहा था, ठेहुन से ऊपर चल रहा था, लेकिन कार्यकारी सभापति महोदय जी के द्वारा है कि नाला के तमाम नाला सफाई कर ली गई है। अब तो सामने है, अब सामने अगर सफाई हुई है तो आपको भी दिख जाएगी कि सफाई हुई है कि नहीं। सफाई हुई है, हाथ कंगन को आरसी क्या देख लीजिए जी, जी। आप यहाँ पे रहते हैं? जी जी, हम फॉरेस्ट के स्टाफ हूँ। फॉरेस्ट के स्टाफ जी, जी, जी। यहां हम तो यहाँ हैं करीब 10 वर्ष से। 10 वर्ष जी, जी। क्या आप टाउन की स्थिति आप देखे हैं बरस मानसून में? हम टाउन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, मेरे सामने जब इस तरह की है तो अब इसी से कल्पना किया जा सकता है। क्या जाम है? जितना मैंने आपको नदी नाला है सब जाम है, टाउन का जाम है, तो लेकिन बताया जा रहा है कि चारों ओर से नाला सफाई कर ली गई है। कहाँ देखिए, वहाँ पैन लगा हुआ है। पता है कि अगर अभी से बरसात अगर बंद हो जाए, अगर पानी गिरना रुक जाए तो कहीं पानी नहीं दिखेगा और सारा पानी शहर से निकल जाएगा। इतना घबराहट मीडिया लोगों को हो जाता है। दोषारोपण करना, हमारे मीडिया वाले भाई जो दोषारोपण कर रहे हैं तो
मैं यह बता देना चाहूँगा कि हमारे मीडिया वाले भाई सभी लोग आप लोगों के बारे में भी जानते हैं। R9 भारत के लिए जय किशोर की रिपोर्ट, पश्चिम चंपारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। RTI से बस स्टैंड जाने वाले रोड में कचरा गिराने से आवागमन ठप हो गया और यहां पर जितने भी नागरिक हैं उनका रहना दुश्वार हो गया है, क्योंकि कचरा गिराने से यहां पर काफी बदबू होती है और हम जनता को कई वर्षों से इसका विरोध किया है, लेकिन बेतिया नगर परिषद को इस पर कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन आज आम जनता द्वारा नगर पालिका में गाड़ी रोक रोक कर इसका विरोध किया गया तो नगर परिषद के उप कार्यपालक अधिकारी ललित कुमार झा पहुंचकर आश्वासन दिए और इसके बाद जहां पर भी कचरा नहीं गिरेगा और अगर कोई कचरा गिराता है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यहां के जो स्थानीय है वो विगत 2 सालों से परेशान है। परेशानी की एक ही वजह है कि यहां का जितना शहरी क्षेत्र का कचरा होता है वो हजारी पशु मेला ग्राउंड में फेंका जाता है, जबकि नगर परिषद के द्वारा पूर्व में ही आज से 1.5 साल पूर्व पीपरा के पास जमीन अलॉट कर दिया गया है कि सारा वहां पे कचरा गिराना है। उसके बावजूद भी यहाँ के कर्मियों के द्वारा तेल बचाने के लिए और समय बचाने के लिए हम लोग के घर के बगल में जो कि हजारी पशु मेला ग्राउंड है उसमें लाके कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है। आज सुबह जब सारे लोग आक्रोशित होकर सभी गाड़ियों को रोके हुए हैं, नगर परिषद में लगभग 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 से 4 गाड़ी ही मात्र रोका गया, बाकी सारे लोग गिरा के निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए नगर प्रशासन का एक गाड़ी आया है, उससे हम लोग पूछे हैं कि आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं, लिखित में दीजिए कि नहीं गिराएंगे, तो वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। तो भाई क्यों आए हैं, नगर परिषद का बोर्ड लगाकर आप क्यों आए हैं? उसके बाद उनसे बात हुआ है तो हम लोग कयूम अंसारी जी को जो कि सभापति हैं यहाँ के, उनको हम लोग फोन लगाए, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। बाद में इनके द्वारा हम लोग को पता चला है कि जेई साहब जो कि जिनका नाम सुजा सुमन जी है वो यहाँ रहे, हम लोग उसी के इंतजार में है। आपसे जो पूछा गया यही बात कि आप कौन है, इस गाड़ी पे बैठने वाले था, आप कौन पद पे हैं, तो आपका भी क्या बोले नहीं सुनी, हमसे आपका बात हुआ है चाचा, चाचा हमसे बात हुआ है आपका, चाचा बोर्ड क्या लगाए हैं आप, बोर्ड क्या लगाए हैं, तो आप कहा बोले, मेरे पास लाइव वीडियो, आपने बोला है जब लाइट आपने बोला है आपने बोला है आपने बोला है कि आप कुछ नहीं है, आपने बोला है कि आप कुछ कर रहे हैं। आपसे जब पूछा गया है कि आप कौन होता है बैठने वाला, तो आप पूछा कि आप कौन होता है पूछने वाला, हम यहाँ के यहाँ के लोकल है, नागरिक है, तो कौन पूछे, हमने पूछा जी साहब तो अभी बताया है ना नहीं गिरेगा, इनसे रोक दिया जाएगा। जनता का कहना है कि 4-5 साल से बराबर इस पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और रोका जा रहा है, हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन हमेशा गिरता है। इस बार हम लोग आश्वासन पर अमल करेंगे, या इसके पहले आश्वासन का कोई वैल्यू नहीं है, इसके पहले तो हम लोग थे नहीं, नया पद स्थापित हुए हैं, तो कितने दिन हुए आपके तो 8 तारीख को ज्वाइन, 8 तारीख को ज्वाइन किया। ये बताइए आपके नगर परिषद से कार्यालय से आदमी आ रहे हैं और उनसे नगर परिषद गाड़ी पे उनसे पूछा जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं है, तो आम आदमी क्या नगर परिषद के गाड़ी पर घूम सकता है क्या, नगर प्रशासन तो उनसे पूछे जाने पर वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, गाड़ी का आग लगा दीजिए, कहा कि यहाँ दंगा भड़काने का काम, सरकारी सामान को अगर क्षति करेगा तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाए, नहीं तो ये। R9 भारत के लिए जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। केसरिया प्रखंड के गंडक दियरा क्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि होने से प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य कामकाज पूरी तरह से बाधित हो गया है, गंभीर बाढ़ से सामूहिक विनाश हो गया है। बताते चलें कि लगातार हुई बारिश व नेपाल से छोड़े गए लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी से प्रखंड के डेका पंचायत में लगभग 100 वार्डों में, जिसकी आबादी लगभग 15,000 कड़ान पंचायत में है, आंशिक गांव व वसुंधरापुर एवं बतना गांव में जल जमाव से बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे लोग सहमे हुए। हर साल की तरह इस साल भी असमय जल जमाव से बाढ़ जैसा नजारा दिख रहा है। कई गांव में कुछ घरों में तो पानी भर गया है और जहां से निकलने के रास्ते में राहगीर काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं मझरिया गांव में बाढ़ के पानी के कटाव से गांव में बने पुल ध्वस्त हो गए हैं, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है और रास्ता भी बंद हो गया है।
वहीं डेका निवासी राम जतन महतो ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी बढ़ने से यह पुल टूट गया है, जिससे पूर्व में भी यहां पुल ध्वस्त हुआ था, जिसको मिट्टी व रविश रखकर आने जाने के लिए बनाया गया, जो कि इस बार के बाढ़ में पूरा टूट गया। वहीं उन्होंने बताया कि अंचल प्रशासन द्वारा कोई सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। वही संदर्भ में स्थानीय सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि ठेका पंचायत में सरकारी दो नाव का तत्कालीन व्यवस्था की गई है, जरूरत पड़ने पर और भी सुविधाएं बाढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों को मुहैया कराई जाएंगी। पुल कैसे टूटा है? पूरा पानी आया, टूट गया। पहले से भी टूटा था कि अभी फर्स्ट टूटा है? पर भी टूटा था ये पहले भी? हाँ, पर भी टूटा था, आगे साल जो पानी आता जी, अभी भी इस साल में आया है पानी, तो अभी टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ? मरम्मत नहीं हुआ, देखते नहीं है मरम्मत। क्या नाम है आपका? हमारा रामचंद्र महतो नाम। अच्छा, R9 भारत के लिए अशरफ आलम की रिपोर्ट, केसरिया पूर्वी चंपारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। खबर चौरिया बरियारपुर से है, जहां श्री कृष्ण पूजा समिति चौरिया बरियारपुर के हॉल में शहीद कॉमरेड शिव चंद्र प्रसाद सिंह की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के दर्जन भर विधवा महिलाओं एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विदित हो कि प्रत्येक वर्ष इस दिन मेधावी छात्रों व गरीबों को सम्मानित करने का कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मटिहानी विधायक राम कुमार थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शिवचंद बाबू जैसे लोग मरते नहीं, वो हमेशा आपकी स्मृतियों में सचेतन बनकर रहते हैं। समाज के लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। अन्य वक्ताओं ने कॉमरेड शिव चंद्र को गरीब तथा मजदूरों का मसीहा बताया। वक्ताओं ने कहा कि शहीद कॉमरेड पूरा जीवन गरीबों को बसाने और मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए समर्पित कर दिए थे। वे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। उनके असमय चले जाने से गरीबों ने अपना सच्चा हितैषी खो दिया। आयोजन समिति के प्रमुख पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके बचे हुए सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर गरीब लोगों की सेवा करते हैं। मौके पर पंकज सिंह, मनोज कुमार, राम संजय सिंह आदि सभी उपस्थित रहे। मैं दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि का आज साक्षी बना और मैंने श्रद्धा मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि समाज में जो भी लोग, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, अगर वो समाज के लिए कुछ भी करते हैं तो उनका नमन होना चाहिए, उनका वंदन होना चाहिए, क्योंकि वो आज हमारी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। R9 भारत के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट, चैरिया बरियारपुर।